हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृषि एजुकेटर। सो आज हम बात करेंगे केशव महाविद्यालय के ऊपर। इसके ऊपर सारी चीजें एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हॉस्टल प्लेसमेंट, देन फिर हम बात करेंगे इसके इंटर्नशिप्स के लेकर एंड फीस स्ट्रक्चर। सारी चीजें आज हम इसमें कवर अप करेंगे इस सेशन में। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए आपके कॉलेज की लोकेशन। तो आपका कॉलेज ये पड़ता है प्रीतमपुरा नियर सैनिक विहार। ओके, इसकी वेबसाइट जो है वो है keshav.du.ac.in। कॉन्टेक्ट नंबर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर आपको कॉलेज जाकर ही बात करनी है तो ये रहा एड्रेस, एंड यस आपको कॉल पे बात करनी है इनसे तो यहाँ पे ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर इनका। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। यस गाइस, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, पर ये सब आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, अब अटेंडेंस जो होती है, सबसे पहले पॉइंट डिसिप्लिन के अंदर अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस के भी मार्क्स लगते हैं। अटेंडेंस के 5 मार्क्स लगते हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा अवॉइड रैगिंग। यहाँ पे आप रैगिंग नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा एनालाइज किया कि भाई ये सिर्फ नाम के लिए है क्या, बट रियली यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है। कोई ऐसी न्यूज भी नहीं आई कि भाई यहाँ पे केशव महाविद्यालय में किसी ने किसी के साथ रैगिंग की। ओके, तो यहाँ पे आपने अगर रैगिंग की तो आप रेस्टिकेट हो जाते हैं कॉलेज से, आपको निकाल दिया जाता है। फिर आता है वुमेन्स केयर। यस गाइस, यहाँ पे बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स है। अगर आपको कोई भी मतलब परेशानी होती है तो आप या तो फैकल्टी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इनकी वेबसाइट पे ही दे रखे हैं। फिर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। यहाँ पे किसी को भी मतलब अनसेफ फील करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी की पूरी पूरी गारंटी है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ की क्लासरूम के बारे में। यस गाइस, यहाँ का क्लासरूम एरिया बहुत ज्यादा अच्छा है। दो तरीके के आपको डेस्क मिल जाएंगे, एक ऐसा है ठीक है, और दूसरा आपको स्कूल डेस्क की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो ये गाइस यहाँ पे जो है एसी नहीं है, बट यहाँ पे जो 4 फैंस लगे हुए हैं वो भी बहुत अच्छी हवा देते हैं, बहुत ही ज्यादा वेंटिलेशन होती है, क्योंकि विंडोज है वो हर क्लासरूम में है, 5-6 विंडोज हर क्लासरूम में है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ की कैंटीन की। कैंटीन का खाना बहुत ज्यादा मतलब टेस्टी होता है, यमी होता है। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज के खाना मिल जाता है। यस, क्वांटिटी भी हाई होती है एंड जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा चीप होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के फीस की। तो केशव महाविद्यालय में जो फीस स्ट्रक्चर है आपका वो अलग अलग है। ठीक है, बिकॉज कोर्स अलग है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से या ओबीसी से, SC ST या PWD से, तो आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपकी फीस स्ट्रक्चर है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई BCom ऑनर्स, BA हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री की फीस स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीट्स कितनी अवेलेबल है कॉलेज के अंदर। अब देखते हैं कि यहाँ पे कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है और कितने बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सो यस गाइस, यहाँ पे इतनी सीट्स अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट की सीट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। यस गाइस, यहाँ की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है। ओके, अब हम बात करते हैं पोजीशंस की। एंड यस, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन हो जाए कि यस प्लेसमेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छी होती है एंड बहुत वर्थफुल होती है। तो सबसे पहले प्लेसमेंट जो है वो है हमारी पोजीशन एसोसिएट एनालिस्टिक। इसका अमाउंट 3 लाख अप्रोक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट मिली है इस पोजीशन के लिए। अब है फाइनेंशियल एनालिस्टिक, इसकी 6 लाख अप्रोक्स अमाउंट है पर एनम। ओके, अश्योरेंस इसका अमाउंट है 3 लाख। ऑपरेशन एंड टेस्टिंग एग्जीक्यूटिव इसका अमाउंट है 2 लाख। IT एप्लीकेशन इसका अमाउंट है 1 लाख। बिजनेस डेवलपमेंट इसका अमाउंट है 3 लाख। ये जो मैं आपको अमाउंट बता रही हूँ ये अप्रोक्स करके बता रही हूँ, बिकॉज स्क्रीन शॉट्स लगाऊंगी मैं अभी, तो इसलिए मेरे को इतना कुछ ज्यादा याद नहीं है। ओके, तो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे भी।
अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कंपनीज कौन कौन सी आती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपनीज आती है, फॉर एग्जाम्पल डिलोटे, EY GDS, इंफोसिस, TCS, FIS ग्लोबल वोडाफोन टीम, FIS ग्लोबल गूगल टीम एंड विप्रो। और भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आती है एंड बच्चों को प्लेसमेंट देती है। यस गाइस, अब उससे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, आपको बहुत सारा डर लगा होगा ना कि मतलब कैसे से एनवायरनमेंट टूर करवा देती हूँ मैं आपको। कॉलेज खुले रहते तो यस गाइस मैं आपको इसकी वीडियो बना के दिखा देती। वेल डोंट वरी, आपको बाद में वीडियो मैं दिखा दूंगी जब बनेगी। तो अभी आपका सब कुछ ऑनलाइन होगा, ओरिएंटेशन ऑनलाइन होगी, क्लासेस ऑनलाइन होगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके हॉस्टल की। यस गाइस, केशव महाविद्यालय में बात कर रहे हैं तो पूरा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगी। तो यहाँ पे हॉस्टल जो है वो गर्ल्स हॉस्टल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल में सीट्स है 78, ओके 78 सीट्स है एंड एक रूम में दो गर्ल्स होंगी या दो पार्टनर्स होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमें फॉर्म्स कौन कौन से मिलेंगे अगर हमें हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। तो ये इसका है सबसे पहले एकोमोडेशन फॉर्म। तो मैंने अभी आपको एकोमोडेशन फॉर्म दिखाया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिटेल्स है, आपकी डिटेल, पेरेंट्स की डिटेल और स्टूडेंट्स की डिटेल, ये सारी चीजें आपको एड ऑन करनी, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, मम्मी पापा का नाम एंड ये सब। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज है उनको पता चल सके कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिशन फॉर्म। यस गाइस, इसमें एडमिशन फॉर्म मिलेगा, मैं अभी दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें आपने देखा होगा अभी एडमिशन फॉर्म में, इसमें बहुत सारे अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। इसमें बहुत सारा डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना, मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बोला गया है, आपको अच्छे से पढ़ना है अंडरटेकिंग्स को। ओके, फिर इसके बाद आता है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो हमारा आईडी होता है, आपको आईडी के लिए फॉर्म फिलअप करना होगा, मैं दिखा देती हूँ। तो यस गाइस, आपको ये फॉर्म फिलअप करना है अपनी आईडी के लिए ताकि आप केशव महाविद्यालय से एक अप्रूवल मिल जाए कि यस आप हॉस्टल में ही रहते हैं, ठीक है। तो एक आईडी कार्ड मिल जाएगा आपको। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। क्यों बनवाना है? ताकि कॉलेज वालों को पता चल सके आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। अगर प्रॉब्लम है तब भी आप वेलकम है इस कॉलेज के अंदर, ऐसी बात नहीं है कि आप वेलकम नहीं है, वेलकम है। बस वो थोड़ा सा अपने आप से अपनी तरफ से सेफ्टी रखिए कि यस इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो हम उस हिसाब से जो मेडिसिन है या डॉक्टर का नंबर वंबर है तो उस अकॉर्डिंग ही हम कांटेक्ट करें उस डॉक्टर को कि भाई आज बच्चे की तबीयत खराब है कि नहीं। ओके, तो यस गाइस हमने बात करी हॉस्टल की, अब बात करते हैं यहाँ के प्लेटफॉर्म के बारे में। यस गाइस, यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म होते हैं, टीचिंग प्लेटफॉर्म एक नॉन टीचिंग प्लेटफॉर्म। टीचिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? टीचिंग प्लेटफॉर्म वो होता है जहाँ पे आप मतलब जो स्टूडेंट है, ठीक है, एज अ रेगुलर कॉलेज जाता है इस प्लेटफॉर्म पे, ओके, रेगुलरली अपनी क्लासेस अटेंड करता है, वो है टीचिंग प्लेटफॉर्म। और नॉन टीचिंग प्लेटफॉर्म वो होता है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां जाती है सैटरडे को। ये सिर्फ लड़कियां जाती है सैटरडे को पढ़ने के लिए, ओके। सिलेबस सेम होता है, जो रेगुलर का सिलेबस होता है वो ही होता है सेम। तो इसका मैप दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपके घर से ये कितना पास है, कितना दूर है। तो ये सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये देखिए, अगर आप दीपाली चौक के आसपास रहते हैं, आपको पता नहीं एरिया, तो दीपाली चौक के पास है ये केशव महाविद्यालय। फिर देवी माता टेम्पल के भी पास है ये, ओके, आपको बहुत आसानी से लोकेशन मिल जाएगी। अगर इन दोनों
अगर इन दोनों से भी आपको लोकेशन नहीं मिल रही है तो यस, मैं एक ऐसा नियरेस्ट पॉइंट बता रही हूँ जहां से आपको लोकेशन मिल ही जाएगी, वो है एपीजे स्कूल प्रीतमपुरा। उसी के स्ट्रेट में ही हमारा केशव महाविद्यालय कॉलेज आता है। ओके, आपको जैसे ही स्कूल मिल जाएगा वैसे ही आपको आपका कॉलेज भी मिल जाएगा। तो यस गाइस, ये था मैप, हमने थोड़ा सा एनालाइज है। अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं हम। ओरिएंटेशन यहाँ पे कैसा होता है? ओरिएंटेशन बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। वेल, डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, पर या ओरिएंटेशन कभी कभी कार्निवल फेस्ट जब यहाँ पे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डिसिप्लिन की तब वाट लग जाती है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे तब कोई कुछ नहीं कहता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, फिर उसके बाद से सब नॉर्मल हो जाता है, कोई डिसिप्लिन को फॉलो आउट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कॉलेज के बारे में, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कॉलेज को जो है ए ग्रेड मिला हुआ है नेट की तरफ से। ओके, यहाँ पे 9 कोर्सेज है, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज, साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करवाते हैं इस कॉलेज में, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इससे रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। एंड एडिशनल कोर्स जो है वो हमारा आता है यहाँ पे रेडियो ब्रॉड डाउन। यस गाइस, इसकी फीस जो होती है 7,000 होती है। ओके, एंड इसकी क्लासेस जो होती है वो संडे को लगती है, 4 से 6 घंटे तक। फिर यहाँ पे 40 लेक्चर्स होते हैं एंड वर्कशॉप्स आपको दी जाती है। यहाँ पे जो स्किल्स होती है मैं बता देती हूँ, इस रेडियो ब्रॉडबैंड में आपको कौन कौन सी स्किल्स सिखाई जाती है। राइटिंग, कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यूज, पार्टिसिपेशन, ग्रुप डिस्कशन, सोशल वर्क, राइटिंग स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, एडिटिंग प्रोग्राम, हैंडलिंग टेक्निकल इक्विपमेंट्स एंड आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग। आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा इसमें। ओके, तो यस, आप अपने आपको एनरोल भी कर सकते हैं। ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, मैं दिखा देती हूँ, गूगल डॉक, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा सा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो ये आपको फिलआउट करना है। अब इनिशिएटिव की बात करते हैं। यस गाइस, केशव महाविद्यालय इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस कोरोना वायरस के चक्कर में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो यस, वो उनसे कांटेक्ट करेगा, इजिली उनकी बातों को समझेगा, हैंडल करेगा। तो यस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन के टाइम पे तो आप उनसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की वीडियो बस यहाँ तक ही थी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यस, कमेंट सेक्शन में बताएं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं, किस कॉलेज को लेकर बनाएं। वेल,